भैया लोग सावधान हो जाओ, 6 साल का मासूम बच्चा बाहर रोड पर तो नहीं घूम रहा। अगर घूम रहा तो काफ था, घर के अंदर बैठा लो, वरना हफ्से मिल जाएगा, दरिंदा मिल जाएगा और हवस का पुजारी मिल जाएगा। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के मसौली थाना क्षेत्र का। 6 बरस के मासूम बच्चे को 22 बरस के युवक ने भैया हवस का शिकार बना लिया और ऐसी दरिंदगी कर दी की काफ था हम बयान नहीं कर सकते। मासूम बच्चे की हालत बिगड़ जाती है, सीएससी बड़ा गाँव में भर्ती कराना पड़ता है, पुलिस हरकत में आती है, पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है, कार्रवाई की जाती है और बाकायदा युवक को गिरफ्तार कर लिया था। पर मासूम बच्चे की हालत बिगड़ गई, वो बड़ा गांव भैया भर्ती है और उपचार जारी है। फिलहाल बहुत बड़ी खबर आई, हमने कहा बता दें आपको। अब चलिए दूसरी खबर देखें। अब ये फोटो देखोगे तो कहोगे वाह क्या सीन है भैया, आपने सिंघम बनते हुए पुलिस वालों को बहुत देखा होगा जब बाकायदा लाठी बरसाते हैं, लेकिन आज बाकायदा हीरो बनते हुए देख लीजिए। हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दे रहे थे। बाराबंकी जनपद के मसौली क्षेत्र के त्रिलोकपुर में भैया भंडारे का आयोजन करवाया गया था। अब जेठ माह का 5वां बड़ा मंगल है तो काम था, आखिरी बड़ा मंगल है, खूब कस के भंडारा होता पूरे बाराबंकी जिले भर में। इस दरमियान त्रिलोकपुर के चौकी प्रभारी कन्हैया पांडे भी बाकायदा प्रसाद वितरित कर रहे थे, उनके साथ कांस्टेबल प्रदीप कुमार भी दिख रहे थे और साथ ही साथ राजेश थे, अर्जुन मिश्रा भी थे, बहुत सारे भैया कांस्टेबल उपस्थित थे और इनके साथ आदर्शों जुटे पड़े थे प्रसाद बांटने में और टीटू मिश्रा भी दिख रहे थे प्रधान प्रतिनिधि। वहीं आपको बाराबंकी जनपद से भैया सिरौली गोसपुर लिए चलते हैं। देखो बार बाकायदा कोटवा धाम में बड़े बाबा के दरबार में भंडारे का आयोजन किया गया था। यहाँ बाकायदा देख लो मार चाची भाभी सब कोई बाकायदा जनसैलाब उमड़ा पड़ा था और सबके सब प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। अभी के साथ आपको बाराबंकी जनपद के आलापुर लिए चलते हैं, यहाँ पर भंडारे का आयोजन करवाया गया था। अब चलिए भैया तीसरी खबर भी देख लेते हैं। हर यार चाची तुम्हार बिटिया घर में अकेले तो नहीं रहती, 18 वर्ष की उम्र तो नहीं है, कहा बताए, अगर रहते तो अकेले मत छोड़ा, ना जाने मन में क्या सोच ले, ना जाने क्या हो जाए। 18 वर्ष की लड़की का बंद कमरे के अंदर भैया बालिका का शव मिलता है, दुपट्टे से लटकता हुआ, चाहता भड़कम मच जाता, सूचना मिलती है पुलिस को, मौके पर पुलिस पहुंचती है, सबको अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अम्मा अपने 8 वर्ष के बच्चे को लेकर खेत गई थी और पिताजी लखनऊ गए थे, घर में कोई नहीं था और लेकिन दोपहर को जब अम्मा खेत से घर को आती तो देखती लो बंद कमरा है और गेट खोलने प्रयास करती है, शव मिलता, पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। खूंटे थाना क्षेत्र के जानी गाँव की पूरी मामला होता जरा, पर फिलहाल बाराबंकी जब सुन उत्तर प्रदेश के लिए आदर सावत के साथ विकास। वीडियो कैसे लगी कमेंट करो, वीडियो को शेयर करना, मिलेगी।